हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सा कैरमल टी बनाने वाले हैं। बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ शुगर, देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ चाय की पत्ती। आप चाहो तो कोई सी भी चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको रेड लेबल यूज़ करना है, टाटा टी यूज़ करना है, कुछ ऐसा नहीं है। जो पसंद हो वो ऐड करो चाय की पत्ती, या फिर जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। देन उसके बाद हम इसे चलाते रहेंगे और चलाने तक हम वेट करेंगे। पता है इसको ना बिल्कुल स्लो रखिएगा गैस का आँच जो होता है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जलने वाला है, तो इसलिए स्लो करके आराम से ब्राउनिश होने तक का वेट करेगा और कंटिन्यू चलाते रहिएगा। तो अभी देख सकते हो ये ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क, जितने लोग के का बनाना है उन लोगों के हिसाब से आप मिल्क ऐड कर लेना। इसमें मिल्क डालते ही ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बट टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पता है इस चाय के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैंने सोचा कि आइए ट्राई करते हैं और आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं और आप लोग को भी बताते हैं कि भाई ये रियल में लग कैसा रहा है। बट अभी तो ये बिल्कुल देख रहे हो आप कैसे हार्ड हो गया है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि वापस से नॉर्मल सा हो जाए। कोई नहीं, बहुत ही जल्दी ये हो जाएगा नॉर्मल सा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, बट ठीक है ये हो गया, देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया। अब हम इसे पकाने वाले हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक बॉईल नहीं आएगा चाय पकेगा नहीं ना, तब तक क्या ही उसमें ऐड करेंगे। और चाय हो और उसमें अदरक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बिना अदरक की चाय तो मेरे को पसंद ही नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को पसंद है बिना अदरक की चाय या नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। देन उसके बाद मैं इसका उबाल आने तक का वेट करूँगी। और आप लोग को मैं एक बात बताऊँ कि इसमें ना मैंने एक चीज़ और ऐड किया है, जो कि है रोज़ के पेटल्स। सुबह ही तोड़ लिया था इसलिए इसका कलर थोड़ा अजीब सा हो गया, बट ये रोज़ के पेटल्स मैंने 2 रोज़ लिए थे, उसके पेटल्स डाले हैं। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ होना ही चाहिए, बट मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इसका टेस्ट आता कैसा है। इसलिए मैं जी जान लगा रही हूँ इसमें कि ये भाई बिल्कुल टेस्टी सा बने और थोड़ा डिफरेंट चाय बने। तो आप ये देख सकते हो ये मैं अब अच्छी तरीके से मैं इसे पकाने वाली हूँ और चाय के पकने तक का मैं वेट करने वाली हूँ। आप लोग बताइएगा ना कमेंट करके कि आपने ये चाय ट्राई किया है नहीं किया है, या फिर आप लोग ये मतलब कई लोग ना कैरामल टी मतलब जो शुगर और चाय की पत्ती मैंने स्टार्टिंग में ब्राउनिश होने तक का वेट किया था ना, वो नहीं करते, रोज़ पेटल्स डालते हैं। तो आप लोग बताना कि वैसा अच्छा लगता है, या फिर मतलब रोज़ पेटल्स डालने से केवल नॉर्मल जो बनाते हैं चाय उसमें अच्छा लगता है, या फिर इस तरह अच्छा लगता है। आप लोग जैसा बताना मेरे को, मैं भी ट्राई करूँगी वैसे ही। तो चलिए सर्व कर लेते हैं हम चाय, मुझे तो चाय बहुत पसंद है और सुबह शाम तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो चलिए हम चाय को छान लेते हैं गर्मा गर्म चाय। तो ये देख सकते हो चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी ही चाय की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चाय कैसी लगती है। और ये कैरामल टी की जो टेस्ट था ना चाय का, भाई बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत ज़्यादा मतलब एक सोंधा बना रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।